नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हो कृष्णा टेक इन हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 जुलाई से GST लागू हो गई है। लोकसभा में आखिरकार देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा जाने वाला GST बिल पास हो गया। GST के अमल में आने से जो तरह तरह के टैक्स आपको देने पड़ते थे, उसके बजाय अब आपको एक ही टैक्स देना होगा। मसलन एक देश एक टैक्स। 1 जुलाई से देश भर में किसी भी सामान की कीमत एक ही होगी, यानी आप बिस्किट दिल्ली में खरीदें या गुजरात में, उस पर एक ही MRP लगेगी। तो आइए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हुई हैं सस्ती और किस पर पड़ी है भारी टैक्स की मार। GST के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सोशल एडिशनल ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ कस्टम, सेंट्रल टैक्स पैट और मनोरंजन कर जैसे 18 तरह के टैक्स लगते थे। लेकिन अब GST लागू होने से सिर्फ अब एक ही टैक्स लगेगा। इसे बेचने वाला या खरीदने वाला GST के दायरे में होगा। तो अब बात करते हैं कि उन रोज़मर्रा की चीज़ों की जो GST से मुक्त रखी गई हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो GST के दायरे से बिल्कुल बाहर है, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वे हैं खुला खाद्य अनाज, ताज़ी सब्जियां, खुला पनीर, बिना मार का आटा, बिना मार का मैदा, बिना मार का बेसन, गुड़, बिना मार का प्राकृतिक शहद, काजल, फूल की झाड़ू, बच्चों की ड्राइंग बुक और किताबें, शिक्षा सेवाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ। ये वे चीज़ें हैं जिन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं 5% की, जिस पे टैक्स लगा हुआ है। वे हैं चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी के भुने दाने, खाद्य तेल, शिशु आहार, काजू, किशमिश, स्किम्ड दूध पाउडर, पैक्ड पनीर, PDS, केरोसिन, घरेलू LPG, जूते चप्पल जो 500 रुपये तक के, कपड़े जो 1000 रुपये तक के हैं, अगरबत्ती, कायर मैट, चटाई और फ्लोर कवरिंग। ये वो चीज़ें हैं जो 5% GST के दायरे में आती हैं, जिन पे पहले 12% टैक्स लगता था। तो अब बात करते हैं 12% की। जिन पे 12% टैक्स लगा है, वे हैं मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट जूस, पैक्ड नारियल पानी, मोबाइल, सब्जियों, फलों, नट्स एवं पौधों के अन्य भागों से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे कि अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम और जेली और छाता। ये वे चीज़ें हैं जिन पर 12% GST लगेगी। तो अब बात करते हैं 18% GST की, ये किन चीज़ों पर लगेगी। केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, सूप, पास्ता, कॉर्नफ्लैक्स, आइसक्रीम, टॉयलेट्रीज, कंप्यूटर और प्रिंटर, इन चीज़ों पे 18% GST लगेगी। तो अब बात करते हैं 28% की। 28% GST किस पे लगेगी। च्युइंगम, कोकोया रहित चॉकलेट, पान मसाला, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिशवाशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, शेप्स, हेयर क्लिप्स, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, AC, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ऐसी चीज़ों पे 28% GST लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी GST से रिलेटेड। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।